बच्चों, आप सबको स्वागत करते हुए आज हम आठवीं कक्षा के पात्र छे समाचार पत्र की आत्मकथा, समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में हम कुछ जानकारी देता हूं। बच्चों, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, हम सबको न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र का आवश्यकता के बारे में, समाचार पत्र का आवश्यकता के बारे में, और समाचार पत्र पहले भारत में कब प्रकट हुआ, उनका प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है, और कन्नड़ भाषा के प्रथम समाचार पत्र कहां प्रकट हुआ और उसका नाम क्या है, इसके बारे में हम इस पाठ में जानते हूं। हम इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व के बारे में, बच्चों इस पाठ में समाचार पत्र पढ़ने से क्या लाभ है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में और लाभ को समझ सकते हैं। देखो बच्चों, कन्नड़ में कहता है ओगट्टु, ಇವೊಂದಿನೊಂದು ಒಗಟ್ಟು ಇದೆ, ಆ ಒಗಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೋಜ್ ಸವೇರೆ ಘರ್ ಮೇ ಆವು, ರೋಜ್ ಸವೇರೆ ಘರ್ ಮೇ ಆವು, ದೇಶ ವಿದೇಶ ಕಿ ಖಬರ್ ಖಬರ್ ಸುನಾವು, ದೇಶ ವಿದೇಶ ಕಿ ಖಬರ್ ಸುನಾವು, ಜಮೀನ್ ಆಸಮಾನ್ ಕಿ ಬಾತೆ ಬತಾವು, ಜಮೀನ್ ಆಸಮಾನ್ ಕಿ ಬಾತೆ ಬತಾವು, ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಮೈ ಕೌನ್, ಯಹ ಏಕ मुहावरे। देखो बच्चों, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश का खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। हम सबको मालूम है समाचार पत्र। देखो बच्चों, समाचार पत्र कई भाषा में है, या कन्नड़ में, तेलुगु, तमिल, मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कई भाषा के, भारत देश में कितने भाषाएं हैं उतना भाषा ही में समाचार पत्र है। देखो बच्चों, हम सबको मालूम है कुछ समाचार पत्र के बारे में, अंग्रेजी भाषा में डेक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज एक्सप्रेस आदि है। इसके बाद तेलुगु भाषा में आंध्र ज्योति, ईनाडु, और कन्नड़ भाषा में प्रजावाणी, संयुक्त कर्नाटक, विजय कन्नड, विजय कर्नाटक, विश्ववाणी, कई भाषा में कई पत्रिकाएं हैं। और उसी तरह हमारे हिंदी भाषा में भी कुछ पत्र प्रकट होता है, दैनिक, अमर उजाला, हिंदुस्तान, राजस्थानी, उसी तरह कुछ पत्र के बारे में यानी समाचार पत्र के बारे में हम सब लोग देख सकूंगा। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक से पृष्ठ यानी पेज नंबर 41। देखो बच्चों, याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूं, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर लाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। इस प्रश्नों का उत्तर है, आपको याद आया, आपको इस प्रश्नों का उत्तर याद में आया है, आपको याद में आया, मैं ही समाचार पत्र यानी समाचार पत्र। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं, मैं यानी समाचार पत्र सुबह होते ही घर में
आती है। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कुछ लोगों को समाचार पत्र पढ़ने से बिना सुबह ही नहीं होती। उसी तरह उन्होंने आलोचन किया, कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। कुछ लोगों ने समाचार पत्र को पढ़ते पढ़ते ही उनके चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, यानी अंग बन गया। देखो बच्चों, यह समाचार पत्र आज के मानव के एक महत्वपूर्ण अंग बन गया, यानी हिस्सा बन गया हूं मैं। मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे देश विदेश की जानकारी देता हूं। देखो बच्चों, समाचार पत्र आज आधुनिक काल के मानव के लिए, यानी आज के मानव के लिए देश विदेश के खबरों को घर में बैठे बैठे इन समाचार पत्र पढ़ने से मिलती है। गरीब या अमीर, यानी समाचार पत्र अमीर या गरीब सबको ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन है। देखो बच्चों, समाचार पत्र या अमीर या गरीब किसी भी भेदभाव न होते हुए उसको और सभी से सस्ते यानी चीप रेट या सुलभता से मिलने का एक साधन है। देखो बच्चों, समाचार पत्र कुछ लोगों ने पढ़ते पढ़ते चाय पीते हैं। कुछ लोगों को मानते हैं कि समाचार पत्र न पढ़ने से न होती, पढ़ना नहीं होती तो सुबह नहीं आती है, उस तरह मानते हैं। घर में बैठे बैठे देश विदेश के समाचारों को जानकारी देती है और अमीर या गरीब किसी भी भेदभाव नहीं होते ही उन्होंने हमें समाचार को सुलभता से यानी सस्ता से सुलभ साधन होता है। देखो बच्चों, आज हम समाचार पत्र से आज के खबरें हमें मिलता है, मगर पिछले व्यक्तियों ने हमारे पुराण में यानी कुछ साल के पहले व्यक्तियों ने हमारे पूर्वजों ने पूर्वजों को समाचार कैसी मिलती है हम कुछ आलोचन किया जाता है। बच्चों, आज हम समाचार पत्र मिलते हैं टीवी या मगर आदि है ना, उसी तरह पुराण के काल में यानी हमारे पूर्वजों को कैसे खबर मिलती है। देखो, प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। देखो बच्चों, हमारे पूर्वजों ने या राजा महाराजाओं ने समाचार को एक कबूतर के द्वारा भेजते थे। उसी तरह संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। इस कबूतर को उन लोगों ने संदेशवाहक कहते थे। इस संदेशवाहक उनको संदेश को लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचने वाले के कई साधन बने हैं। उसी तरह प्राचीन काल में कबूतर के साथ संदेश भेजते थे और आज के काल में इस प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कुछ साधन बने हैं
जिसमें रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट और कई मैसेज, फेसबुक, उसी तरह आदि हमारे साथ है, हमारे साथ है। इस तरह रेडियो जैसे साधन से, देखो बच्चों, आपके घर में एक रेडियो थे, रेडियो था, यानी रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुन सकता है। देखो बच्चों, रेडियो से हम समाचारों को केवल सुन सकता है, और दूरदर्शन से इस दूरदर्शन साधनों के द्वारा सुनाने के साथ साथ हम घटनाओं को भी अपने आंखों से देख भी सकता है, देखा जा सकता है। उसी तरह लेकिन इन सभी में से ही मैं सरल और मितव्ययी साधन हूं और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचता हूं। देखो बच्चों, रेडियो जैसे साधनों से हम समाचारों को केवल सुनते हैं। और उसी तरह टेलीविजन से हम समाचारों को सुनते सुनते उन घटनाओं को भी हमारे आंखों से देख सकता है। सुनना और देखना देख सकते हैं। उसी तरह आज ये समाचार पत्र इस सभी साधनों से बहुत कम यानी सस्ता और सुलभता से मिलने वाले एक साधन है। उसी तरह समाचार पत्रों के आत्मकथा के बारे में कहते हुए कहकर हम आगे की पाठ अगले कक्षा में हम देख सकूंगा। बच्चों, अगले पाठ अगले विषयों के बारे में कल की अवधि में देख सकूंगा। धन्यवाद।